आज की जो वीडियो है ये ऐसी वीडियो है क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब बात नहीं बनी। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और यहाँ पर दो फोन है, अब ये दो फोन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये कुछ कैमरा सैंपल देखो, बिना एडिट किए, बिना कुछ भी छेड़खानी किए, सीधा सीधा कैमरा से है। ये X70 Pro से है, अभी प्लस की बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। ये पोर्ट्रेट फोटो दिखाई मैंने, और साथ में ये वाला देख रहे हो आप, इसके बीच में फोकस ही नहीं कर रहा कैमरा, अब किया। ये मेन कैमरे से क्लिक किया, इसके बीच में जो थ्रेड वगैरह पे डिटेल्स है, जो इसके कलर्स है, और ये है ऐसी जगह से फोटो जहाँ पे रिल्सटर पाए जाते हैं। यहाँ पर लाइट कम थी भाई, और ये कम लाइट मतलब जैसे स्ट्रीट लाइट होती है ना, वो सब लगा हुआ था, अगल बगल गाड़ियाँ घूम रही थी, वहीं हम घूम रहे थे। और बोनस पॉइंट, इस वीडियो में मैं गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, जहाँ पे इसके कई सारे फोटोज मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हो जूम करके, ताकि आपको ये पता रहे कि मैं कुछ भी इस वीडियो में ओवर हाइप नहीं करने वाला हूँ। जो होगा, कैमरा रिव्यू कर रहा हूँ ना, काफी सारे लोग सोचते हैं कैमरा कैमरा ही कर रहे हो, हर फोन का एक टारगेट होता है, इस फोन का टारगेट कैमरा की तरफ है। लेकिन याद रखना, आपको ये वीडियो जैसे जो लोग X60 Pro यूजर है, आपके लिए नहीं है, आप ऑलरेडी अच्छा फोन यूज कर रहे हो, मतलब आपको अपग्रेड की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस फोन पे। ये नए यूजर के लिए, जो लोग जानना चाहते हैं इसका कैमरा कहाँ स्टैंड करता है। और X70 Pro के साथ X70 Pro Plus आया था, अब इसकी बात करें तो काफी सारे लोग मुझे ना, मतलब खुद भी कंफ्यूज हो गया था कमेंट सेक्शन से, कुछ लोग कहते भाई इसके बारे में बताओ, कुछ लोग कहते इसके बारे में बताओ। मैंने सोचा क्यों ना समाधान एक ही वीडियो में किया जाए, तो मैंने कहा आपको कि भाई मैंने अलग अलग कंडीशन में फोटो क्लिक किया है। तो यहाँ पर X70 Pro Plus जो है, इसके साथ भाई प्रीमियम पे करना पड़ता है, आपको हायर साइड चला जाता है। क्या यहाँ पे ऐसे पैसे ही ज्यादा लिया जा रहा है या कुछ काम भी किया गया है, सबसे पहला सवाल। दिन में तो आपको बड़ा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन लो लाइट में देखने वाला था, जब मैंने टेस्ट किया लो लाइट में जो X70 Pro Plus है वो ज्यादा क्रिस्प फोटो देता है, और साथ में इसकी जो फोटोज आती हैं वो ज्यादा लाइट भी कैप्चर करती हैं। ज्यादा लाइट कैप्चर दोनों ही फोन करते हैं लो लाइट में, ये फर्क आपको वीडियो में भी देखने को मिलता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोनों से, आप देखोगे तो जो X70 Pro Plus है उसमें जो वीडियो वो भी क्रिस्प है। इन शॉर्ट, बिना कंफ्यूज किए, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है टिपिकल कंडीशंस में काम करता हुआ दिख जाता है। और इसको इसी बात पे हम साइड में रख देंगे, आ जाते हैं X70 Pro पे, क्योंकि ये ज्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और जैसे मेरे पास ये फोन आया ना, X60 Pro में क्या था कि जैसे ना, मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट, मैंने बताया भी था वैसे, क्लोज ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं या फास्ट फोकस करते हैं तो कई बार फोकस मिस कर देता था या फिर स्लो फोकस करता था। लेकिन यहाँ से मैंने सेट कर दिया इसको 4K 60fps पे, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इसको हम लोग चेक करने वाले, ये बैकग्राउंड, ये सामने, काफी फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो जो मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल यहाँ पर इंस्टेंट में बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा हूँ, धूप के अपोजिट भी यार ये फोकस कर लेता है काफी, हाँ यस यहाँ भी कर लेता है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था ना, फोकस करने में स्ट्रगल कर रहा था, ये देखो यहाँ 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 बैकग्राउंड, फिर यहाँ पर सो फाइनली मैं 100% कह सकता हूँ भाई इस बार सॉल्व हो चुका है, नहीं तो इतनी तेज फोकस नहीं शिफ्ट कर पाता। ये सुबह सुबह का टाइम है, क्या मस्त ओस है ये, एक सिनेमैटिक वीडियो हो जाए इसी फोन से। वैसे अगर मेगापिक्सल की बात करें, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS जिम्बल के साथ, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का 2x पोर्ट्रेट लेंस है जो 2x जूम भी करता है, और साथ में 8 मेगापिक्सल 5x जूम लेंस है OIS के साथ, 32 मेगापिक्सल सेल्फी। ऑलरेडी वैसे तो मैंने OIS जिम्बल के बारे में बताया था कि ये रियल लाइफ में काम करता है, ये आप सामने देख सकते हो, नॉर्मल वर्सेस स्टैंडर्ड वर्सेस अल्ट्रा स्टैंडर्ड। अल्ट्रा स्टेबल में फुल HD 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज 4K 60fps आपको नॉर्मल और स्टैंडर्ड मोड में मिलेगा। बाकी सेल्फी कैमरे के रिजल्ट वगैरह पे मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मेन कैमरे की अगर बात करें तो ये पोर्ट्रेट फोटोज जो आती है ना, आप इस रेट में बहुत से ऐसे फोन आते हैं जिनसे क्लियर बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ तो मिलेगा क्योंकि कह रहा हूँ। जो ब्लर इफेक्ट आता है ना, या फिर जो एक स्किन पे कलर आता है, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको सोशल मीडिया रेडी करना है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी यहाँ पे एक फोटो लिया, इंस्टाग्राम पे उठा के डाल दिया था, तो लोगों को अट्रैक्टिव फोटोज लगती हैं ये, यहाँ पे एज डिटेक्शन काफी अच्छा है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा गोरा करके दिखाता है भाई, वीवो के कलर साइंस कुछ ऐसे ही है।
2x जूम करता है, यानी कि पोर्ट्रेट लेंस यूज करते हैं ये। तो ऐसे केस में बैकग्राउंड डेप्थ आपको बेटर मिलना ही मिलना है। और साथ में बैकग्राउंड में ये लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे ऐसे रोशनी आ रही है ना, उसको कुछ इस तरह से ब्लरी बना देते हैं। इवन इसमें आप अलग अलग इफेक्ट आते हैं, ये हार्ट शेप है, स्टार शेप है, तितलियों टाइप बना देना, ये सारी चीजें मिला के पोर्ट्रेट मोड डेफिनेटली इसका बहुत अट्रैक्टिव आता है। और जो एज डिटेक्शन वगैरह, मतलब मैं कह सकता हूँ इस रेट में, चाहे वो X60 Pro की बात की थी मैंने, सेम यहाँ अप्लाई होता है, बहुत अच्छी फोटोज आती है। और इमेज प्रोसेसिंग अगर आप देखना चाहते हो किस तरह करता है, तो ये जैसे पार्ट है, हाइलाइटेड है सारा कुछ, जैसे मैंने फोटो क्लिक किया, इमेज प्रोसेस करके लाइट को कुछ ऐसा बैलेंस करता है। और मेन कैमरे से बहुत अच्छा डेप्थ आता है, जैसे कि ये वाली फोटो देखो आप, डायनेमिक रेंज हो इस वाली फोटो में, ये क्या बैठा है, उसको हम लोग हेलीकॉप्टर बोल देते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करना, पंखुड़ियां सी है, पंख से है, जो इसको भी इसने डिटेक्ट कर लिया है। पता है फोटो लेना भी थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन आप अच्छी फोटो ले सकते हैं। और सबसे मुश्किल सिचुएशन अब मैं देने वाला हूँ फोन को, जहां पर चलते हैं, यहाँ बगल में एक पार्क है, वहां पर लाइट्स होंगी, और सामने ना बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ चेक करते हैं। ये है अल्ट्रा वाइड और ये लो लाइट का सिचुएशन है। एंड उसके बाद हमारे पास है 1x, फिर है 2x, 5x, हम लोग करते हैं इसको 20x, 20x, और ये अप टू 60x तक जा सकता है। अप टू 30x मैं कहूँगा कि हाँ यूजबल फोटोज आती हैं, उसके बाद जो फोटोज है, क्योंकि डिजिटल जूम होगा ना 5x के बाद, बट ओवरऑल मैं कहूँगा इसका कभी काम पड़े आपको किसी सिचुएशन में तो ठीक है, नहीं तो 30x तक आप यूजबल फोटोज ले सकते हैं, उसके बाद फोटोज यूजबल उतनी नहीं आती। और अगर ज़्यादा नज़दीक जाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक स्विच कर जाता है मैक्रो कैमरा पर, थोड़ा सा दूर आएंगे तो ये स्विच कर जाएगा। और मैं अगर मेन कैमरे से फोटो क्लिक करूं, लो लाइट के हिसाब से फोटो अच्छी है। अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग रेड जोन में है। रेड जोन मतलब समझते हैं, अगर बंदा यहाँ आएगा थोड़ा सा आगे जाएगा, नीचे जा सकता है, नीचे चला गया तो फिर 2 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे। सब्सक्राइब करना, देखो खतरों के खिलाड़ी। सिचुएशन एकदम अंधेरा, पार्क में लाइटें, यहाँ टेस्ट करते हैं, काफी कम लाइट है जैसे कि दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। कैमरे को हमने उतना सेट कर रखा जितना एक्चुअल सीन है, ठीक है। उसके बाद ये फोन से हम लोग चेक करते हैं, ओके फोटो काफी ब्राइट आई। रीजन पता क्या है, ये क्या करता है, जहां पर भी लाइट कम होती है ये क्या करता है, शटर स्पीड को थोड़ा सा हल्का सा 1 सेकंड लेता है। हालांकि नाइट मोड में अलग ऑप्शन है, नाइट मोड में जाने के बाद ये ज्यादा टाइम लेता है, 3 सेकंड। यहाँ चेक करते हैं, शोर भी आएगा अगर, तो इस कैमरे ने क्या किया, पीछे लाइट्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसको सही से काम किया इसने फिर तो ठीक है, पता लग जाएगा कि मुझे कितना अच्छा है। हम लोग क्लिक करते हैं ये, ओके शटर स्पीड हल्का सा इसने बढ़ाया, बट जो फोटो आई है इस फोटो में काफी डिटेल मिल जाते हैं जूम करके, ये वाला जो पॉइंट है ना स्पेशली। सब्सक्राइबर है ऋषि और मैंक भाई, ये लोग वीडियो देखते हैं, थैंक यू यार। कुछ है सजेशन मेरे लिए और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं बाहर, ये जो आप तो वही सीन देखते थे हम, कि आप नई नई तरीके से फोटो लेते थे, लीव्स की लेते थे और ग्रीनरी बहुत दिखती थी, हम सोचे ये स्टूडियो में तो इतना हो नहीं सकता, स्टूडियो मजा नहीं आता सर एक सेल्फी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई लाओ। तो ये लोग भाई अपने ही सब्सक्राइबर है, इनके साथ एक फोटो शेयर करता हूँ आपको कि इस कंडीशन में कैसे आने वाली है। लास्ट टाइम मैंने सेम जगह की फोटो क्लिक करी थी X70 Pro Plus से, अब इस फोन से मैंने ना ऐसे रात में फोटो क्लिक करके देखा, ये वाली फोटो आती है अब इसमें, तो फिर भी थोड़ी सी लाइट थी, मैंने एक कंडीशन भाई सिलेक्ट किया जहां पर लाइट इस पेड़ के आसपास यहां की लाइटें बंद थी, और इस फोन ने इस लाइट को इतना बना दिया। यहाँ पे जो रियल सिचुएशन है वो कुछ इतनी है, मैंने एक्सपोजर बैलेंस करके आपको दिखा दिया, और देखते हैं फोन क्या कर सकता है। थोड़े दिन पहले यहीं पे फिर आए थे, आज फिर आ गए तो यहीं पे फोटो एक और हो जाए, ओके। अल्ट्रा वाइड में भी नाइट मोड है, बट नाइट मोड मैं रिकमेंड इतना नहीं करूंगा अल्ट्रा वाइड में, मेन कैमरा बेटर फोटोज क्लिक करेगा, लेकिन हाँ अल्ट्रा वाइड एंगल भी आपका यूजेबल फोटोज निकाल देगा। कम इधर आ जा भाई, डर रही है ये। बाकी मैंने मेन कैमरे का आपको रिजल्ट दिखाई दिया, क्या इंप्रूवमेंट हुआ वो दिखा दिया, लेकिन सेल्फी कैमरा में आज भी फुल HD 30 FPS ही है, यहाँ पर भी 4K का ऑप्शन ऐड हो जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। तो कुछ इस तरीके से इसकी वीडियो क्वालिटी मिलती है आपको, अगर ये अभी जस्ट धूप पड़ने वाली मेरे फेस पे, यस ये ना धूप आ गई हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा भाई, सुबह सुबह की धूप है यार।
सो कुछ ऐसा सा है। और अगर चलते हुए वीडियो शूट करते हैं तो प्रैक्टिकल वे में कुछ इस तरीके से आपको जो स्टेबलाइजेशन है ना वो मिल जाती है। सेल्फी पे जैसे रिसेंट टाइम में मैंने नोटिस किया था वो चीज पहले तो यहाँ नोटिस किया। कभी कभी होता है कुछ कुछ सिचुएशन में ये क्या करता है बैकग्राउंड को ब्लर करना भूल जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं घूमन प्रक्रिया। पहला सैंपल, दूसरा और ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इस पार्ट में देखते हैं। ओके ओके ओके, जैसे ये वाली फोटो में ब्लर नहीं हुआ है, बाकी मोस्टली सभी फोटो में ब्लर हो गया है, इसमें भी हो गया है। हालांकि इसका भी इलाज है सिंपल, आपको ना ये जो मैनेज करते हैं ना हम लोग ब्लर इफेक्ट को, इसको अगर आप मिनिमम पे कर दोगे ना 1 पे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाती है, लेकिन जितना कम करेंगे उतना ब्लर हो जाएगा, तो 1 पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है। डिटेल्स अच्छे मिलते हैं फेस को, हाँ थोड़ा ओवर ग्लो करके दिखाएगा। तो ये था इसका भाई सुबह से लेके शाम से लेके रात तक का सारे फोटोज, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में फाइनल जो मुझे समझ में आया इसके कैमरे को यूज करके। देखो पोर्ट्रेट मोड को तो मैं सीधा कहता हूँ भाई, इस रेट में बहुत सारे ऐसे फोन है जिनको आसानी से बीट कर सकता है ये। डायनेमिक रेंज अच्छा है, डिटेल अच्छा है, इवन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो भी काफी अच्छी फोटो देता है। यही आपका मैक्रो मोड में भी शिफ्ट कर जाता है, लेकिन हाँ मैं सेल्फी में चाहता हूँ भाई 4K का ऑप्शन आ जाए, अदरवाइज जो इसके अंदर सारा जो रिजल्ट आते हैं काफी अच्छा, और ये उनको ज्यादा टारगेट करता है जो लोग कैमरे पे एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। काफी सारे मोड देखने को मिलते हैं। अभी मैं जहां फोटो क्लिक कर रहा था भाई चांद वगैरह दिखा रही, नहीं तो मैं सुपर मून दिखाता आपको 60x पे जूम करके। चांद निकला नहीं हुआ था भाई, तो मैं चांद कहां से लेकर आता। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप खुद ले सकते हो। बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।